नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। देश में जब चुनावी माहौल हो फिर जो ना हो वो कम है। भारत में चुनाव लड़ने वाला हर उम्मीदवार हलफनामा दाखिल करता है, मतलब वो अपनी संपत्ति, कर्ज, शिक्षा और क्रिमिनल रिकॉर्ड जैसी जानकारी हलफनामे में देता है। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी ऐप पर प्रोफाइल बनाते हैं, तो फर्क बस इतना होता है कि वहां पर आप कोई इन्फो डालते हैं तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन चुनावी हलफनामे में ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ आपने कोई गलत जानकारी भर दी तो यहाँ तो सजा भी मिलती है। चुनाव आयोग की पूरी कोशिश रहती है कि हर उम्मीदवार की सही जानकारी दी जाए ताकि दागी लोग राजनीति में घुसकर सिस्टम को गड़बड़ ना कर सके। हालांकि सही जानकारी देने में कुछ लोग बड़ी चतुराई करते हैं और हलफनामे में संपत्ति और आय का जो खेल खेलते हैं वो किसी दिलचस्प फिल्म से कम नहीं होता। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही देख लीजिए, इनका हलफनामा भी कुछ खास हो गया। 2019 में इन्होंने खुद को 42 साल का बताया था और 2024 में वो 49 साल के हो गए हैं। अब लोग सोशल मीडिया पर मीम्स के जरिए पूछ रहे हैं कि देख रहे हो ना विनोद, हेमंत सोरेन 5 साल में 7 साल कैसे बड़े हो गए? ऐसा तो नहीं हेमंत सोरेन ने किसी टाइम मशीन का इस्तेमाल किया हो? इतना ही नहीं, भाजपा की इस काम में, यानी भाजपा भी इस काम में कहीं से पीछे नहीं है। हेमंत की भाभी सीता सोरेन की उम्र पर भी सवाल उठ गए हैं। भाजपा वालों ने सीता भाभी की उम्र में भी फर्क दिखा दिया है। और उससे भी मजेदार वाकया तो हुआ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक असलम शेख की शैक्षिक स्तर तो कुछ और ही अलग लेवल का है। पहले चुनाव में उन्होंने खुद को 12वीं पास बताया था और 2024 में जैसे ही उन्होंने हलफनामा भरा तो वो 8वीं पास हो गए। अब ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे डिग्री का ड्रामा भी चल रहा हो। तो भाई, इन हलफनामों में जो कंफ्यूजन है वो साफ तौर पर दिखाता है कि राजनीति में कोई भी गड़बड़ या फिर फर्जीवाड़ा करने से नहीं चूकता है। हलफनामे को लेकर जो हंगामा मचता है वो बताता है कि सच और झूठ के बीच एक पतली सी लाइन होती है और कभी कभी ये लाइन अच्छे दिन के हिसाब से बदलती रहती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में तही देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।